मोदी जी अपने अंदाज में यही बोलेंगे, भाइयों बहनों आज 14 मई को मैं सुबह निकला था नामांकन करके और मैंने देखा रंगीला शाम को निकला है। अरे भैया मैंने तो टाइम टू टाइम नामांकन किया था, ये रंगीला ने तो 3 बजे के बाद किया है। श्याम रंगीला एक मिमिक्री कलाकार और यूट्यूबर हैं, जो खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने 14 मई को पीएम के अपोजिट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। अब तक आपने देख रहे थे कि जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, लेकिन आज वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं इनसे कि आज आपने नामांकन किया है और वाराणसी में क्यों, और जिस तरह से आप कॉमेडी करते थे और चुनाव मैदान में आने का क्या है। वाराणसी काशी को इसलिए हमने चुना कि ये मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो गंगा मैया ने गोद लिया है, तो मैंने कहा क्यों भैया आपको ही ले सकते हैं, अब मुझे भी गंगा मैया ने गोद लिया है और बाकी लोगों को भी गोद लिया है। हम गोदी से क्या जैसे निकलने वाले थोड़ी हैं। उनकी ताकत बन के ही खड़ा था, 2 दिन से उन्हीं की ताकत बन के खड़ा था। मैं यहाँ से चला जाता, कॉमेडी में वापस लग जाता, कुछ नहीं निकलना था। मैं उनकी ताकत मैंने खुद में महसूस की, मैंने कहा इनकी ताकत बन के, मैंने उनकी बात की, मैंने ऐसे बोला ही नहीं कि मेरा पर्चा खारिज कर दिया है, मेरा पर्चा नहीं ले रहे, मैंने कहा किसी का नहीं ले रहे, मेरे समेत किसी का नहीं ले रहे, मैंने सबकी आवाज़ उठाई। अब जिनका नहीं हुआ घबराने की बात नहीं है, आपका भाई बैठा है श्याम रंगीला, निर्दलीय हूँ, कोई पार्टी से नहीं हूँ, आप भी निर्दलीय लड़ रहे थे, एकदम बराबर समझना। श्याम रंगीला प्लस जो सारे लोगों का नामांकन नहीं हुआ वो सारे हम मिल करके एक ही हैं, ये उनको संदेश देना चाहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ आप आज का ये रिजल्ट देखना, आप आज की जो देखोगे ना रिजल्ट की कितने लोगों ने नामांकन किए, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, ये मेरा भरोसा है। देखिए वाराणसी में तो हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, पूरे देश में बहुत कुछ हुआ है 10 सालों में बदलाव जो आप देख रहे हो। 10 साल पहले मैं उनके सपोर्ट में था और 10 साल बाद मैं उनके विरोध में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर विस्तार से बात करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इस पर बात करने बैठेंगे, तो ये 1 मिनट में बात अपने काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर। वोटिंग को लेकर तो यही कहूँगा भाइयों बहनों, आज से ये तय हो गया कि 1 जून को आपको वोटिंग मशीन में बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, ये मेरी नहीं श्याम रंगीला की गारंटी है, ये मोदी की नहीं श्याम रंगीला की गारंटी है। ऑप्शन मिलेंगे, कोई पर्चा उठा ले, मैंने पहले ही कहा था हम नहीं उठाएंगे, आज हमारा पर्चा दर्ज हो गया। अब जो है कुछ भी होता है 2-4 दिन बाद जब एकदम कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद कन्फर्म होने के बाद चुनाव चिन्ह आने के बाद एकदम हम जीत जान से लगेंगे। अच्छा अभी भी हमें जो है ना एक कदम अभी भी हम पीछे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें, वो एक डेट है कि हाँ भाई इस तारीख को जो है एकदम कन्फर्म हो जाएगा, उस तब तक का इंतजार करते हैं। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।